सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल गुरुजी के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहाँ पे मिला है एक सरप्राइज दोस्तों, ये है एक बड़ा सा बॉक्स जो भेजा है रोड ने। तो आज करते हैं इसी की अनबॉक्सिंग। भैया क्या है यहाँ पे, इसके अंदर प्रोडक्ट्स और रोड है तो शायद हुई कुछ माइक्रोफोन्स। देखते हैं कि क्या है इस सरप्राइज पैकेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है वो बड़ा सा बॉक्स, सामने एक तरफ रोड लिखा था, एक तरफ ये सामने मेरा नाम लिखा है। मेरे को मालूम नहीं है भैया इसके अंदर क्या है, और जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं बिकॉज कुछ तो माइक्रोफोन से रिलेटेड होगा मेरे ख्याल से। रोड है तो माइक्स ही बनाते हैं भैया ये लोग तो। ओके, सबसे पहले तो बबल रैप। कितना भाई, खाली डब्बा भेज दिया है क्या? अरे क्या बात है, बहुत सारा बबल रैप और उसके बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले तो है कुछ आई थिंक रोड प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स। तो ये हैं इसके तीन चार वेरिएंट्स, और उसके बाद में नीचे क्या है रोड की टी शर्ट, क्या बात है। ओके अरे यार, ये तो बहुत ही एक अच्छा सरप्राइज हो गया। यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स मिल गए जिनको मैं मतलब लेने का सोच ही रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है रोड का स्मार्ट लैव प्लस। ये एक छोटा सा लेवलियर माइक्रोफोन है जिसको आप डायरेक्टली अपने कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन के साथ में। इसको मैं आपको दिखाता हूँ खोलने के बाद में कि भैया ये कैसा है प्रोडक्ट। और इसको अगर आप कनेक्ट कर देते हैं अपने फ़ोन के साथ में, उसके बाद में आप डायरेक्टली जो है वो अटैच करने के बाद में वीडियोज़ में एक अच्छा ऑडियो ले सकते हैं। इसको अगर मैं करता हूँ अनबॉक्स तो यहाँ पे क्या है। ओके, तो ये है इस पाउच में, और इसके अंदर है बेसिकली ये छोटा सा माइक्रोफोन। बहुत ही छोटा सा है और इसको आप सीधा अपने फ़ोन में अटैच करते हैं। उसके बाद में ये है आई थिंक एक वेलक्रो जिसके थ्रू अपनी आप शर्ट के अंदर इसको लगा पाएंगे। उसके अलावा है यहाँ पे एक क्लिप, और क्लिप के बाद में यहाँ पे है यूज़र गाइड। तो चलो भैया एक चीज़ तो सॉल्व हो गई कि कभी अगर फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए ये एक अच्छा वाला माइक आ गया है रोड का स्मार्ट लैव प्लस। तो यहाँ पे भैया जो अगला आइटम है वो है ये, और ये है रोड वीडियो माइक प्रो प्लस। ये एग्जैक्ट मैं परचेज करने ही वाला था, मैंने देखा था निखिल जो है वो यूज़ करता है इस माइक को अपने व्लॉगिंग के लिए, जो कि काफ़ी एक अच्छा माइक है। 10 साल की वारंटी है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये आप सीधा कैमरा के ऊपर अटैच करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी खोल के कि ये दिखने में कैसा है। तो ये कुछ कैमरा के ऊपर अटैच होने वाला वेरियंट है। ये एक शॉटगन माइक है बेसिकली, जिसको आप अपने कैमरा के ऊपर अटैच करते हैं। तो ये बन गया है माइक, जिसमें पीछे आपके पास में कुछ कंट्रोल्स हैं जहाँ पे अपना गेन वगैरह और जो फिल्टर्स वगैरह हैं आप उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये है इसके नीचे सस्पेंशन माउंट, जो कि आपके कैमरा पे ये पोर्शन अटैच होता है आपके ऊपर हॉट शू माउंट की जगह पे, और उसके बाद में अगर कैमरा हिलता है तो भी जो माइक है उसमें वो वाइब्रेशंस पिकअप नहीं होंगे। और सामने यहाँ पे इसमें है इसका बैटरी स्लॉट, जिसको यहाँ पे आप खोलने के बाद में अपनी बैटरीज को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल डबल ए सेल के थ्रू चल जाता है, हालांकि साथ में इनकी जो बैटरी है वो भी बेसिकली ऐसी है कि जैसे दो डबल ए सेल्स को आपने जोड़ दिया हो। और बहुत लंबा बैटरी बैकअप है, मतलब जो इसमें लाल लाइट भी जलती है तो भी 10 घंटे का बैकअप बचता है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसको यहाँ पे आप लगा दो, उसके बाद में ये जो केबल है इससे कनेक्ट कर लो पीछे यहाँ पे, और जो दूसरा पोर्शन है वो अपने कैमरा में, तो ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वगैरह हो जाता है। तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग माइक है भाई, रोड का बहुत ही कमाल शॉटगन माइक। तो ये मैं यूज़ कर लूँगा। साथ में और क्या मिलता है हमको, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका, और साथ में ये है एक USB टू माइक्रो USB केबल, और उसके अलावा ऑब्वियसली एक यूज़र गाइड। तो ये अंदर और क्या है, अंदर है हमारे पास में दो और प्रोडक्ट्स, जिसमें से ये है रोड का फिल्म मेकर किट, जो कि एक वायरलेस ऑडियो सिस्टम है। क्या बात है भैया, वायर्ड मिल गया, अब ये है वायरलेस का टाइम। तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे 100 मीटर की रेंज है, सिग्नल आपका इनक्रिप्टेड है, 2.4 GHz पे काम करता है, लेवलियर माइक्रोफोन जो है वो साथ में है, डबल ए बैटरीज लगती हैं, फिर आप USB से पावर कर सकते हैं, और गेन कंट्रोल वगैरह वगैरह। तो भैया इसको करते हैं अनबॉक्स, तो इसकी सील भी करते हैं हम ब्रेक को, तो जुड़वा की तरह जोड़ रखा है बिल्कुल, बस कि मतलब तुम अलग मत हो जाना कभी भी।
इधर इधर। तो ये भैया खोला इनको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ऊपर बीच में मिल जाती है एक क्विक स्टार्ट गाइड, उसके बाद में यहाँ पे दो यूनिट्स हैं, एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर जो है वो आप लगाएंगे अपने बेल्ट के ऊपर अगर आप शूट कर रहे हैं कहीं पे भी, अगर आप दूर हैं। और इसको अगर मैं दिखाता हूँ खोल के, ओके, तो ये है सिस्टम जिसको आप अटैच कर लेंगे। और साथ में इसकी भी अलग से एक यूज़र गाइड है। बेसिकली इसमें आप ऊपर अपना यहाँ पे माइक अटैच करेंगे, उसके बाद में साइड में आप इसको चार्ज कर सकते हैं यूएसबी केबल के थ्रू, या फिर आप जो है वो इसके अंदर बैटरीज इंसर्ट कर सकते हैं। ऑन ऑफ यहाँ पे बटन है, साइड में एक छोटा सा डिस्प्ले है, और उसके बाद में यहाँ पे ये एक शू माउंट भी है जिसके थ्रू आप इसको चाहें तो कैमरा पे अटैच करेंगे। नीचे है एक और किक स्टार्ट गाइड, खाने के लिए थोड़ी सी और सिलिका जेल, मजाक कर रहा हूँ भैया खा मत लेना। और ये होगा एक लेवलियर माइक्रोफोन, जो कि क्या बात है यार, इसका जो ये डेड कैट है ये दिखने में बड़ा ही कमाल लग रहा है। और ये है वो माइक्रोफोन जिसको आप अटैच करेंगे बेसिकली इस ट्रांसमीटर के साथ में। और जो रिसीवर है बेसिकली उसके अंदर भी आइटम्स कुछ कुछ सेम ही होंगे, बस जो माइक्रोफोन है वो नहीं होगा। और इसको आप अटैच करते हैं अपने कैमरा के साथ में, जिसके बाद में आप ऑडियो पिकअप कर पाएंगे जो आता है ट्रांसमीटर से। तो ये है कुछ ऐसा, और इसको सीधा आप अपने कैमरा के ऊपर यहाँ पे अटैच करते हैं। और उसके अंदर सामने यहाँ पे आपके पास में बटन्स हैं चैनल स्विच करने के लिए, म्यूट वगैरह करने के लिए डिस्प्ले है, उसके बाद में यहाँ पे साइड में पावर बटन है। साइड में यहाँ पे इसके थ्रू अपने आप कैमरा में लेंगे आउटपुट, जो कि है इस केबल के थ्रू, जो कि यहाँ पे ये वाली केबल है, एक पार्ट आपका रिसीवर में, दूसरा पार्ट आपका कैमरा में, और इसके लिए क्विक स्टार्ट गाइड। तो भैया ये है अभी लास्ट आइटम, जो कि है रोड का यूएसबी माइक्रोफोन, जो कि है एंटी यूएसबी, और ये काफ़ी बड़ा है। तो ये है भैया इसका बॉक्स, इसको सबसे पहले तो प्लास्टिक को हटाते हैं यहाँ से अपन, तो ये निकलेगा अंदर से रोड एंटी यूएसबी। और ये बेसिकली आप अपने पीसी या फिर अपना डेस्कटॉप वगैरह उसके साथ में आप अटैच कर सकते हैं, तो वॉइस ओवर वगैरह के लिए काफ़ी एक अच्छा स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन है। इसका भी अगर मैं ये हटाता हूँ बेसिकली यहाँ से सील, तो हम देख पाएंगे कि जो माइक है वो कैसा है। ओके, इसका काफ़ी प्रीमियम मेरे को लगता है बॉक्स यार। तो सबसे पहले हमने इसको हटाया, तो नीचे हमको मिल जाता है इस माइक के लिए ये एक बेस, जिसके ऊपर ये माइक कनेक्ट हो जाएगा। उसी बेस के नीचे कुछ है, और नीचे है ये एक केबल, और भैया केबल जो है वो कम से कम 15 से 20 फीट लंबी है, आई थिंक 5 मीटर के आसपास की केबल है, जहाँ पे एक तरफ है यूएसबी बी टाइप और ये है यूएसबी ए टाइप। इसके बाद में नीचे ये एक अच्छी चीज़ है यार, ये एक अच्छा सा पाउच है इस माइक को कैरी करने के लिए, जिसके अंदर आई थिंक कुछ चीज़ें हैं। ओ हो हो, आई लव रोड तो ठीक है, लेकिन ये भैया इतनी मोटी सी इसकी क्विक स्टार्ट गाइड या यूज़र गाइड, और साथ में ये एक पाउच। इसके अलावा यहाँ पे साइड में ये जो रखा है ये है आपका मेन माइक, और इसके साथ में अगर मन कर रहा हो तो दोस्तों ये जो माइक है यार काफ़ी हैवी लगता है मेरे को, और इसके सामने जो पॉप फिल्टर है वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, आपको इसमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना, ये बन गया मेन माइक्रोफोन। साइड में कुछ डायल्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो अपना वॉल्यूम जो है मॉनिटरिंग का उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डिंग करें कंप्यूटर के थ्रू तो आपकी जो आवाज़ है और जो कंप्यूटर की आवाज़ है आप उसका लेवल एडजस्ट कर सकते हैं कि भैया किसकी कितनी आवाज़ आएगी। और बेसिकली इसको आप अटैच कर लेंगे यहाँ से इस स्टैंड के ऊपर, तो इसके बाद में मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, ये ऐसा बन जाएगा कि आपने अपनी डेस्क पे इसको कुछ ऐसा करके रख लिया और सामने से बोलते रहो और जो चाहे रिकॉर्डिंग करते रहो। अब मैं आपको सैंपल सुनाता हूँ, इसका तो सैंपल कभी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन जो बाकी माइक्रोफोन्स हैं अपने पास में वो मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके एक एक करके, उनकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो आपको कैसी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो भी वीडियो है ये इसका ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस रोड के वायरलेस फिल्म मेकर किट से, और मैंने माइक अटैच कर लिया है, रिसीवर जो है वो है कैमरा के ऊपर। मैं एक बार ले होता हूँ चुप, तो आप सुन पाएंगे कि जो बैकग्राउंड नॉइस है वो ये कैसी पिक करता है। ओके, और अभी आई थिंक आपको आइडिया मिल गया क्वालिटी के बारे में, हालांकि जो सेटिंग्स है वो मैंने बिल्कुल जल्दबाजी में एडजस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे होंगे जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी है।
अभी दोस्तों ये जो ऑडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रोड के वीडियो माइक प्रो प्लस से, जो कि मैंने कैमरा के ऊपर लगाया हुआ है। मेरे पास भैया कोई भी कॉलर माइक वगैरह नहीं है, और यहाँ पे अगर मैं रहता हूँ चुप तो आप सुन पाएंगे बैकग्राउंड नॉइस को। तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि ये जो इस माइक की आवाज़ है वो कैसी है। अगेन मैंने जो सेटिंग्स हैं वो भी जल्दबाजी में सेट किए हैं, हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव क्या पता कर सकते हैं, क्या पता ये बेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया मिल गया होगा इस रोड वीडियो माइक प्रो प्लस की तरफ से। दोस्तों ये जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल इस वीडियो का, वो आ रहा है मेरे आईफोन से अटैच्ड इस माइक से, जो कि मैंने लगा रखा है फिलहाल रोड का स्मार्ट लैब प्लस। अब इसकी तो भैया सेटिंग्स में कुछ ज्यादा ट्वीक नहीं कर सकता, इसमें तो प्लग एंड प्ले है। हालांकि इसकी एक ऐप आती है उसमें ज्यादा कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सुन लो समझ लो कि जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसे। और मैं रहता हूं चुप तो आएगी आपको शायद कुछ बैकग्राउंड नॉइस, आइडिया मिल गया होगा एक पोर्टेबल माइक जो है रोड स्मार्ट लैब प्लस उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अभी दोस्तों ये जो ऑडियो रिकॉर्डर है फाइनली ये है मेरे ओरिजिनल माइक्रोफोन का ऑडियो, जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था अभी तक, लेकिन ऐसे मैंने बीच में 4-5 अलग अलग माइक्रोफोन्स को टेस्ट किया है। मुझे बताओ जरूर नीचे कमेंट्स में कि आपको किसकी आवाज सबसे बेहतर लगी, और आगे आने वाली वीडियोज में हम कौन से माइक को ज्यादा यूज करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।